और चलिए गूंज में डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल जो जहन में आपके आएगा वो यही है कि ईडी के अधिकारियों की जासूसी क्यों करवा रहे थे केजरीवाल। दूसरा ये कि शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग जो कांग्रेस किया करती थी आज क्यों पलट गई। गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देना क्या नई तरह की सियासत है। इन तीन सवालों के इर्द गिर्द आज गूंज में हमारे साथ जो मेहमान जवाब देने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनफैक्ट राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इनफैक्ट हमने आम आदमी पार्टी से कहा कि आइए भाई अपना पक्ष रखिए, लेकिन रवि जी बहादुर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के नेता भी हैं। और आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले ट्विटर पर एक सवाल रोज जो हम पूछते हैं दर्शकों को वो पूछ लेना चाहती हूँ। सवाल ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष का हंगामा क्यों। मामला सियासी है, गिरफ्तारी पर सवाल पता नहीं। वोट करते रहिए इन ही ऑप्शंस पर, आखिर में रिजल्ट्स हम अनाउंस करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले पक्ष विपक्ष राउंड से। गूंज में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं गौरव भाटिया। गौरव भाटिया शुरुआत आपसे कर रही हूं, एक मिनट का समय आपको मिलेगा। आपको इस बात का और इस सवाल का जवाब देना होगा कि चुनावों के वक्त ईडी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। क्या अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से सरकार डर गई? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी है गूंज। आपने जो मेरा चेहरा दिखाया वो मेरे साथी और मेरे भाई जफर इस्लाम का दिखा रहे थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत हैंडसम व्यक्ति हैं। आपने तस्वीर गलत लगाई है, उसको दुरुस्त कर ले। माफी चाहती हूँ, मैं दुरुस्त कर। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। देखिए, आज गूंज क्या है मैं आपको बताऊं। आज पूरे भारत में गूंज है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान थे, कट्टर बेईमान हैं और कट्टर बेईमान ही रहेंगे। उनके डीएनए में बेईमानी आ गई है, घूसखोरी आ गई है। आपके सवाल पे पहले आ जाता हूं क्योंकि आपके शो का फॉर्मेट है, मुझे इज्जत देनी होगी आपके शो के फॉर्मेट। आपने कहा इलेक्शन से पहले क्यों करवा। मैं पूछना चाहता हूं, कल उच्च न्यायालय में राहत के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा इनके खिलाफ क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है। आपको मालूम है ईडी ने जो फाइलें, जो साक्ष्य प्रमाण दोनों न्यायाधीशों को दिए दिल्ली उच्च न्यायालय के, उन्होंने अपने कक्ष में उसे देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम कोई भी अंतरिम राहत नहीं देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जजेस ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाया। तीसरी बात, न्यायालय ने यह कहा है कि आप ईडी के समन्स में क्यों नहीं जाते ईडी के समक्ष और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या ये दलील कोर्ट के सामने नहीं रखी गई कि चुनाव का समय है और उनकी अरेस्ट हो रही है। और दूसरी बात, आपको मालूम है पहला समन अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को आया था, साढ़े चार महीने हो गए। सही कह रहे हैं रूबिका जी, साढ़े चार महीने में तो न्यायालय भी जा सकते थे और 9 समन का पालन भी कर सकते थे, तब तो कोई चुनाव थे नहीं, क्यों नहीं गए। तीसरी बड़ी बात जो मेरा तर्क है, पूरा देश देख रहा है, ये मुकदमा करीब 1.5 से 2 साल से चल रहा है। 1.5 से 2 साल पहले जो मुकदमा शुरू हुआ, जांच एजेंसियों को क्या पता था कि जो प्रमाण सामने आएंगे, जो गवाह बोलेंगे, उसमें किंगपिन अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और चुनाव आएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। कोई चुनाव से किसी की गिरफ्तारी ना हो, ये कोई कानून नहीं है। धन्यवाद। गौरव भाटिया ने यहाँ पर रवि जी
एक एक सवाल का जवाब दे दिया कि क्या कोर्ट में ये बातें नहीं रखी गई थी। कोर्ट ने जब नहीं माना तो फिर आप लोग किस बात को मनवाने पर आतुर हो रहे हैं और क्यों?